अगर आपके मन में भी मिलेट्स को लेके कोई डाउट है या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए ज्वार, बाजरा, रागी या गेहूं इसमें से कौन सा अनाज आपके लिए सबसे सही है, अगर ये कहीं पे भी आपके मन में कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ज्वार, बाजरा, रागी यानी नाचनी या फिर जैसे मल्टीग्रेन आटा जो है इसको हम आयुर्वेद के नज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे देश में पहले से इस तरह के जो मिलेट्स है या जो ग्रेन्स है ये पहले से लोगों के खाने में रहे हैं, स्पेशली विलेजेस में, छोटे गाँवों में लोग इन्हें प्रिफर करते आ रहे हैं। शहरों में भी काफ़ी घरों में जो मिलेट्स की रोटी है जिसे भाकरी कहा जाता है तो ये शाम के खाने में रहती है। और आजकल तो सोशल मीडिया में मिलेट्स के बारे में बहुत सारे फायदे बताए जाते हैं तो लोग इसे अपना रहे हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में शुक धान्य वर्ग और शिम्बी धान्य वर्ग इस तरह का क्लासिफिकेशन हमें मिलता है। शुक धान्य यानी ग्रेन्स का इसमें समावेश होता है और जो शिम्बी धान्य है वो है पल्सेस। तो इसकी पूरी जानकारी आयुर्वेद के ग्रंथों में दी हुई है। तो इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है, इनके फायदे क्या क्या है, इनको कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल करना है, किसने इसे लेना है, किसके लिए ये बहुत सही है या किसके लिए इससे नुकसान हो सकता है, उन्होंने क्या सावधानी लेनी है, हर मौसम में अलग अलग अनाज आपने कैसे इस्तेमाल करने हैं, तो इसकी पूरी जानकारी आयुर्वेद में बताई हुई है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूँ इसमें से सबसे सही अनाज कौन सा है या फिर आप अगर मल्टीग्रेन आटा लेते हैं तो वो आपके लिए कितना सही है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखिए, मिलेट्स जो है वो पचने में हल्के है, आयुर्वेद में इसका लघु गुण बताया है यानी ये इसका पचन जल्दी होता है। और जैसे हमने पहले गेहूं के वीडियो में देखा तो गेहूं में स्निग्ध गुण है, ये पचने में हेवी है, इसका गुरु गुण बताया है। तो जिन लोगों को गेहूं की रोटी ठीक से हजम नहीं होती या गेहूं की रोटी खाने के बाद जिनको तकलीफ होती है, ब्लोटिंग वगैरह जैसे लगता है या जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, तो उनके लिए जो मिलेट्स है वो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, यानी वो लोग गेहूं की जगह पे मिलेट्स की रोटी ले सकते हैं क्योंकि मिलेट का पचन जल्दी हो जाता है। और वो लोग जिनका अग्नि उतना स्ट्रांग नहीं है यानी जो जठराग्नि है वो थोड़ा सा मंद है या कमज़ोर है तो उनके लिए भी मिलेट चल सकते हैं, स्पेशली शाम के खाने में जब हमारा अग्नि कम रहता है, शाम का खाना हल्का चाहिए तो उस समय पर भी आप मिलेट से बनी रोटी है, भाकरी है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके शरीर में कफ दोष ज़्यादा है, मेद धातु ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनको मोटापा है या वजन जिनका ज़्यादा है या फिर ऐसे लोग जिनके शरीर में डिसलिपिडेमिया है यानी कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ है या फिर फैटी लीवर है, तो इस तरह की अगर आपको भी कोई इशू है तो आपके लिए मिलेट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, खास करके उन लोगों के लिए भी जिनके शरीर में कोई ब्लॉकेजेस है और उस ब्लॉकेजेस के कारण जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी को डायबिटीज़ है, तो इस तरह के सभी अवस्थाओं में मिलेट्स का सेवन फायदेमंद है क्योंकि मिलेट्स पचने में हल्के हैं। तो इस तरह के जो वेट गेन की टेंडेंसी है या जो कोलेस्ट्रॉल का है, फैटी लीवर है, तो इन सबको कम करने में मिलेट्स आपको मदद कर सकते हैं। अब हम इनके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, जो आयुर्वेद में इसके गुणधर्म बताए हैं या जो फ़ायदे नुकसान बताए हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम ज्वार के बारे में देखते हैं। तो ज्वार के जो गुण बताए हैं उसमें लघु और रुक्ष गुण बताए हैं। लघु यानी ज्वार पचने में हल्की है, रुक्ष गुण यानी इसमें रुखापन है, तो शरीर में जाने के बाद भी ये रुखापन उत्पन्न करती है। फिर इसकी जो तासीर या इसका जो वीर्य बताया है वो है शीत वीर्य, यानी ज्वार का जो नेचर है वो ये ठंडे स्वभाव की है। इसके बाद इसका जो दोषों पे असर बताया है तो ये कफ और पित्त इन दोनों दोषों को कम करने का काम करती है। तो जिनके शरीर में भी कफ और पित्त से संबंधित कोई बीमारी है या कफ और पित्त का डोमिनेंस है तो उनके लिए ज्वार एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इन्हें जो ज्वार की रोटी है इसको आप कौन से मौसम में ले सकते हैं, तो जो गर्मी का मौसम है जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है जैसे कि अप्रैल और मई महीना है या फिर शरद ऋतु है जैसे सितंबर अक्टूबर का महीना है, हम जैसे कहते हैं ना अक्टूबर हीट, तो उसमें बहुत गर्म रहता है, तो ये ज्वार है ये ठंडे नेचर की है तो उस समय पर आप जो ज्वार से बनी रोटी है उसका सेवन कर सकते हैं।
लेकिन जिनके शरीर में ऑलरेडी ये रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, यानी जिनके शरीर में रुखापन है, जिनकी स्किन ड्राई है, तो उन्होंने ज्वार का सेवन बहुत ही संभाल के करना है। और जिनकी वात प्रकृति है, जैसे हमने देखा है कि वात प्रकृति में वात के जो गुण बताए हैं, तो उसमें बताया है तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म शलो अनिलः, तो रुक्षता और लघुता ये वात के भी गुण है। तो अगर जिनकी वात प्रकृति है और उनके शरीर में ये गुण ऑलरेडी बढ़े हुए है, तो ज्वार का भी जो रुक्षता और जो हल्का है वो इस वात दोष को और ज्यादा बढ़ाएगा। इसलिए जिनकी वात प्रकृति है उन्होंने भी इसका सेवन बहुत संभाल के करना है। अगर आपको लेना है तो इसको आप बहुत कम मात्रा में ले सकते हैं, या हफ्ते में एक हाथ दो बार आप इसे ले सकते हैं। और इसे लेते समय भी इस पर अच्छे से घी डाल के आपने लेना है, स्पेशली जो गाय का घी है वो आप इस पे लगा के ले सकते हैं, ताकि इसका जो रुखापन है या इसका जो हल्कापन है उसको बैलेंस करने में ये घी आपकी मदद कर सके। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल हार्ड होती है, उन्होंने जनरली ज्वार को अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो उसकी रुक्षता है तो उससे उनका जो कॉन्स्टिपेशन है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन जिन लोगों के शरीर में जिनका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है और उनका वेट बढ़ने के कारण उनको अगर डायबिटीज़ है, तो वो लोग ज्वार का सेवन कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वार को, जैसे ज्वार की रोटी को आपने छाछ के साथ आप लेते हैं, तो आपकी ब्लड शुगर लेवल को अच्छे तरह से मेंटेन करने में ये फूड आपकी मदद कर सकता है। स्पेशली वो लोग जो डाइटिंग करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं और बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ज्वार की रोटी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए अब हम बाजरे की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज या जो इसके गुणधर्म आयुर्वेद में बताए हैं, तो वो देखते हैं। तो बाजरे का भी जो गुण बताया है वो भी रुक्ष गुण है, यानी ये भी शरीर में जाके रुखापन बढ़ाता है। लेकिन इसका जो वीर्य या इसकी जो तासीर बताई है वो है उष्ण वीर्य, यानी ये गर्म स्वभाव का, गर्म तासीर का है। तो बाजरा जो है तो वो शरीर में जाके गर्मी को उत्पन्न करता है, शरीर का अग्नि जो है उसको भी ये बढ़ाता है। उसके बाद इसका जो गुण बताया है वो है गुरु गुण, यानी ये पचने में थोड़ा सा हेवी है, यानी जवार और रागी के कंपैरिजन में ये हेवी है। लेकिन अगर इसे आप गेहूं से कंपेयर करेंगे तो गेहूं से ये पचने में हल्का है। तो इस तरह से कंपैरिजन में ये गुरु गुण बताया जाता है। इसके बाद इसका दोषों पे असर देखते हैं, तो ये कफ और वात दोष को कम करता है। यहाँ तक कि जो कफ और वात से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, तो उसमें भी बाजरे का सेवन आपको फायदा दिला सकता है। अब ये देखते हैं कि इसको कौन से सीजन में आप खा सकते हैं। तो जो ठंडी का सीजन है, यानी जैसे कि हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, यानी जब ठंडियाँ चलती है, या फिर वर्षा ऋतु है, बारिश का मौसम है, तो इस सीजन में आप बाजरे का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जो बाजरे का नेचर है वो गर्म है। और आपने भी देखा होगा कि जब बाजरे की रोटी या भाकरी बनाई जाती है तो उसके ऊपर तिल भी डाले जाते हैं, तो तिल का जो नेचर है वो भी, यानी तिल भी स्वभाव से थोड़े से गर्म है, इनमें स्निग्धता है, और ये भी शरीर में वात को कम करते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बाजरे की रोटी के साथ आप गुड़ और आप घी भी ले सकते हैं, यानी बाजरे की रोटी और उसके ऊपर घी और गुड़, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जो भी हमारा पारंपरिक खान पान है वो बहुत ही समझ के बताया गया है। महिलाओं के लिए भी बाजरा बहुत अच्छा है, खास करके सूतिका अवस्था यानी डिलीवरी के बाद अगर उस महिला को दूध की कमी है, तो ये बाजरा दुग्ध जनन करने वाला है, यानी दूध को बढ़ाने वाला है। इसके अलावा किसी में अगर खून की कमी है, कमजोरी है, तो उसको भी ये ठीक करता है। आप इवन B12 डेफिशिएंसी में भी आप इसे ले सकते हैं। वो लोग जिनको वजन कम करना है, या फिर वजन बढ़ने के कारण उनको डायबिटीज है, या फिर उस वजन के कारण उनके घुटनों में दर्द है, तो वो लोग बाजरे का सेवन कर सकते हैं। तो एक तरह से आयरन के लिए, कैल्शियम के लिए, B12 के लिए आप बाजरे की ये रोटी है, या फिर आप बाजरे का जो आटा है उसको घी में भून के उसमें मिश्री या गुड़ मिला के उसका सेवन भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब ये देखते हैं कि बाजरा जो है वो किसने थोड़ा संभाल के लेना है। तो देखिए, बाजरे का जो नेचर है वो गर्म है, तो जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनके शरीर में ये पित्त दोष ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने इसे बहुत ही संभाल के लेना है। या फिर आप थोड़ी सी ही मात्रा में या एक आध बार आप इसे ले सकते हैं, या फिर आप इसे घी के साथ लो, तो ये पित्त दोष ज़्यादा ना बढ़े। यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है या फिर शरद ऋतु है, जब गर्म है मौसम, तब भी बाजरे का सेवन संभाल के करना है।
चलिए अब हम नाचनी या रागी के बारे में देखते हैं। तो इसका भी जो गुण है वो लघु गुण है, यानी ये भी पचने में हल्की है, लेकिन ये अनुष्ण है, यानी ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ना तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो इस तरह से ये बैलेंस है। इसमें थोड़ी स्निग्धता भी है, यानी जो ज्वार है और बाजरी है इसके कंपेरिजन में ये स्निग्ध है, क्योंकि ये दोनों का जो नेचर है वो रुखापन बढ़ाती है शरीर में, तो इस तरह से रागी का नहीं है। तो इस तरह से इसमें भी ये बैलेंस करती है। और ये जैसे कि छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग व्यक्ति है, स्त्री है, पुरुष है, तो इन सभी में रागी का सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि सभी की मौसम में आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ग्रेन है। इसके अलावा शरीर में ये खून की कमी को बढ़ाता है। जिनको वेट गेन नहीं करना है लेकिन स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, उसके लिए रागी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये तर्पण करने वाली, यानी तृप्ति देने वाली, सेटिस्फैक्शन करने वाली, यानी इस तरह की ये रागी है। तो आपको इसके बहुत सारे फायदे मिल सके। इससे आयरन बढ़ता है, कैल्शियम के लिए भी ये बहुत अच्छी है। फिर चाहे आप इसकी रोटी लो या इसका लड्डू बना के लो, इसकी पेज भी आप ले सकते हैं। जैसे कि रागी का सत्व जो मिलता है, नाचनी सत्व, तो उसकी पेज आपको बिल्कुल वो 5 मिनट में बन जाती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और एकदम छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर कोई इसे ले सकता है। तो इस तरह से रागी के अनगिनत फायदे हमें मिल सकते हैं। जब आपको बच्चों के लिए इसमें से कौन सा ग्रेन इस्तेमाल करना है इसके बारे में जब सोचना पड़ता है, तो देखिए बच्चों में जैसे कि गेहूं की रोटी, ये ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बच्चों की ये ग्रोइंग एज है, तो उनमें जो भी खाना जाएगा तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा चाहिए। तो ये जो गेहूं की स्निग्धता है या जो थोड़ा सा गुरु गुण है, ये उनकी ग्रोथ के लिए या न्यूट्रिशनल लेवल के लिए उनको बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। यहाँ तक कि रागी भी उन्हें मदद कर सकती है, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो ज्वार है या बाजरा है, तो इसमें हल्कापन है, रूखापन है, तो ये बच्चों के लिए हमेशा देने के लिए उतना सही ग्रेन नहीं है। तो बच्चों में आप जो रागी और गेहूं है इनका इस्तेमाल ज्यादा करें, और अगर आपको ये दोनों यानी जो ज्वार और बाजरा देने हैं तो उनको थोड़ा सा कम रखें। आयुर्वेद में खान पान में देश साथ में भी बताया जाता है। साथ में यानी जो आपके लिए अनुकूल हो, जो आपके लिए सूटेबल हो, और देश साथ में यानी आप जिस देश में जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ पे उगने वाला जो अनाज है वो आपके लिए सही है। यहाँ तक कि आप जिस घर में रहते हैं, जिस फैमिली में रहते हैं, तो उसकी परंपरा क्या है, उनकी फूड हैबिट्स कैसी है, उनके खाने में कौन कौन से अनाज या फिर ग्रेन्स पहले से रहते आए हैं, तो आपने बचपन से क्या खाया है, आपके लिए क्या सूटेबल है, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छे से पचता है, तो इसको देख के भी आप आपके लिए कौन सा अनाज सही है ये इसका चयन कर सकते हैं। आजकल मल्टीग्रेन आटे का ट्रेंड चल रहा है, तो काफ़ी सारे जो ग्रेन्स है उनको साथ में मिला के फिर उसका आटा पिसवा के उसकी रोटियां बनाई जाती है। लेकिन अगर हम इसको आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये सही नहीं है। देखिए हर एक ग्रेन की अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी विशेषता है। जैसे कोई गर्म है तो कोई ठंडा है, कोई पचने में हल्का है तो कोई भारी है। तो इस तरह से जब आप इनका सबका साथ में मिक्स करते हैं इनको, तो ये एक तरह से आयुर्वेद का विरुद्ध आहार है। आयुर्वेद में जो वीर्य विरुद्ध बताया है, यानी गर्म और ठंडी चीज़ें साथ में मिक्स करना, या अग्नि विरुद्ध, यानी कोई पचने में हल्का है तो कोई पचने में भारी है, तो इस तरह से हम अगर इसको साथ में मिला के खाते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से ये विरुद्ध आहार है। अगर आप एक खान बार इस तरह की मल्टीग्रेन आटे की रोटी लेते हैं तो चल सकता है, लेकिन अगर आप इसे फ्रिक्वेंटली लेते हैं तो फिर ये आपके लिए पचने में उतनी ईजी चीज़ नहीं है। जैसे आप देखो, अगर आप इन सब ग्रेन्स को साथ में मिक्स करते हो, अगर आप इसको फिर से अलग करना चाहते हो तो ये इजी नहीं है। वैसे ही आप इनको साथ में मिला के अपने सिस्टम में डालते हो तो उसके लिए भी इसको पचाना इतना इजी नहीं है। जब हमने ऑयल के बारे में वीडियो बनाया था तब भी आपको यही बात कही थी कि साथ साथ में सभी तेलों को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि हर एक तेल की, हर एक ऑयल की अपनी विशेषता, अपनी प्रॉपर्टीज है, हर एक का स्मोक पॉइंट भी अलग अलग है। तो काफ़ी लोग तेलों को भी एक साथ मिक्स करके फिर उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के जो अनाज है या तेल है इनको मिक्सिंग करने से बचे, उनको अलग अलग यूज़ करें। अगर आपका जो खाना है उसको बहुत सिंपल रखें, यानी एक तरह का कोई अनाज है, एक दाल है, एक सब्जी है, चावल है, तो इस तरह से आप बहुत उसको सिंपल बनाते हैं तो आपके सिस्टम के लिए भी इसे पचाना बहुत इजी रहेगा। लेकिन अगर आप इसे बहुत ही मिक्स करके अंदर डालते हैं तो पचाने में भी उतना ही समय लगेगा, और फिर चाहे वो यानी आपको डाइजेशन रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उसके कारण दिख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी लेनी है।
उम्मीद है आज के वीडियो में बताई गई बातें आपको मदद जरूर करेगी। आपके लिए ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूं, इसमें से सबसे सही अनाज कौन सा है, कौन से सीजन में आपने इसे लेना है, इससे आपको क्या फायदे मिलेंगे और क्या सावधानी लेना है, इसके सब के बारे में ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।